डॉक्टर मुनामी महाजन, आपका बीपी और हार्ट रेट नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं हो सकता। मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नो नो, आई मीन सरप्राइजिंग ना, इतनी जल्दी इतनी अच्छी रिकवरी हो गई। नॉर्मल दिख रहा है तो नॉर्मल ही होगा। या डॉक्टर, ये हुडी करण की है ना? हाँ, वो मैं देना भूल गई थी। मैं रख लूँ? आई मीन मतलब मैं दे दूँ? वन एंड द सेम थिंग। या ओके, थैंक यू। कर क्या रही है? डरा दिया यार तूने मुझे, पागल। यू साइको स्टॉकर, ये रूबी के साथ क्या फैंटेसाइज कर रही तू? करके यक यक, वही तो यक। पागल है क्या? मैं बस ऐसे ही हुडी खरीदने का सोच रही थी, तो ऐसे ही सोचा ट्राई कर लेती हूँ एक बार। अच्छा, ऐसी ट्राई कर रही थी? पूरी दुनिया में तुझे यही हुडी मिली ट्राई करने के लिए? और अब झूठ तो ठीक से बोल ले, इडियट। कब तक फर्स्ट गियर में चलाएगी गाड़ी मोनू? इट्स टाइम टू गो फुल गियर डाउन। कब तक हुडी को हग करेगी? सीधा उसको जाके हग कर लेना, इससे क्या होगा? तो क्या करूं सेठ, जब से खड़ू शेरगिल एकेडमी वापस आया, उसका ट्रेनर मोड ऑन हो गया। हमें तो साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। ओ ब्रो, लव स्टोरी में ट्विस्ट। हाँ, जब देखो तब दो बातें करता रहता है, लेकिन जो मेन बात है वो तो करता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि एकेडमी में एंट्री लेने से ज्यादा डिफिकल्ट है ये फाइंड आउट करना कि खड़ूस शेरगिल मेरे लिए कुछ फील करता भी है या नहीं। ये तो प्रॉब्लम है ब्रो। आई नो इडियट, अगर वो नहीं बोल रहा तो तू तो बोल सकती है। जस्ट से इट, आई लव यू, वो तो इजी है। गुड आइडिया सेट। Bad idea, Sid. I love you बोलने से पहले थोड़ा तो पता होना चाहिए ना कि उनके मन में आपके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है या नहीं। Bro, get real, Monu. Of course, feeling है। अगर नहीं होती तो इतना out of the way जाके थोड़ी देर लिए इतना कुछ करता। वैसे एक आइडिया, सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, राइट? हाँ। तू उसे कन्विंस करना कि वो भी तेरे साथ चले। लेट्स सी, मानता भी है या नहीं। अगर मान गया तो बहुत सिंपल, पार्टी में जब लोग ट्विस्ट कर रहे होंगे उसे ट्विस्ट करके साइड में ले जाना। और हाय फिर क्या सेड? और क्या मोनू, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और कह देना, शेरगिल आई लव यू। बस खड़ूस शेरगिल, आई लाइक यू। आई मीन लाइक यू, सिर्फ लाइक यू नहीं, आई इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। सीधा उसको देखना, बोलना आई लव यू, और मौका मिले तो जंप मार के किस भी कर लेना। पागल कहीं का। हम तुम्हें झूठ नहीं बोलेंगे कोयल, पर हमें तुम्हारी वाकई फिक्र होती है।
कौन लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े? तुमने कहा कि तुम्हें ट्रैक कर लेंगे। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। I'll just change, okay? Sit. बेबी, तुम मेरे साथ खाना खाने को मना कर रही हो? नो, यू कांट डू दैट, है ना? सिट। मैं अपनी प्यारी वाइफ को अपने हाथों से सर्व करूंगा। सम डिलिशियस दाल चावल फॉर यू। Open your mouth. I'm not hungry. Open your mouth. I don't want to eat. Guess what? मेरी भूख भी मर गई। बेबी, आज के बाद मुझे कभी मना मत करना और ऐसे वेट मत करवाना, प्लीज। तुम जितनी खुश अपने सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स पे लग रही थी ना, आई वांट टू गिव यू दैट मच हैप्पीनेस। समझ गई ना? यू विल बी अ गुड गर्ल। समझ गई ना? छोड़ो। ओके देन। सॉरी, मैंने जोर से खींच दिया। कोहली नॉर्मल लोग नहीं है। ऐसा काम सिर्फ वही लोग करते हैं जो डेंजरस है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल है। तुम्हारी फिक्र मैं समझ सकती हूँ फैजी, इट्स नेचुरल। पर मैं इतना जानती हूँ कि जब तक मैं इस पराक्रम एसएफ में हूँ, नो वन कैन टच मी। चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो, पावरफुल हो या डेंजरस हो, I feel safe here. ये सिद्धार्थ फोन क्यों नहीं उठा रहा है? निखिल, तुमने उसे जाने क्यों दिया? एक दफा मुझसे पूछ तो लेते। तुमने उसका फेस देखा था, कितना उदास था। वो कब से बाहर जाना चाहता था और हमसे ना देखा गया, इसलिए हमने उसकी खुशी के लिए उसे जाने दिया। उसकी खुशी के लिए तो ये सब कर रही, लोग उसके पीछे पड़े। अगर किसी ने उसे पकड़ लिया ना, तो उसकी सारी खुशी उसे छीन लेंगे। कोयल, रिलैक्स, उसे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। I am worried. एक काम करो, तुम यहाँ ढूंढो, मैं वहाँ ढूंढती हूँ, ठीक है? Let's look for him separately, please.
I got him. Who's calling me? यहाँ से जाना नहीं है, मैं अभी आ रहा हूँ. Hello? Monu, what's up? Sid, I think तू सही कह रहा था. मुझे खड़ूस को बोल देना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या फील करती हूँ. वो तो तेरी बात सुन रहा है, right? Yes. Go for it, Monu, just go for it, बोल दे. Done deal. दिवाली पार्टी में मैं उसे प्रपोज कर दूंगी. I love you, bro. सही है, कर दे. यही तो था. हाँ यही था तुम्हारे साथ, लेकिन गया कहाँ? रिलैक्स, मिल जाएगा. यही कहीं है. निखिल, अरे कहाँ है निखिल? निखिल, यही कहीं होगा. वो निखिल और मैं खेल रहे थे, अब पता नहीं कहाँ गया. खेल रहे थे तो कहाँ गया? तुम्हारे से मेहमानी में था ना, वो गया कहाँ? कोयल को क्या हो गया? कैसे कर सकते हो तुम? I know. पुलिस सब देख रहे हैं. मिल जाएगा. कहीं कुछ नहीं होगा, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा. कोयल निखिल को लेके ऐसा बर्ताव काहे के लाने कर रहा है? हो गया? इतना सा बच्चा बेचारा कहाँ खो गया? हैस्टिक सुमन जी, वो सब बाद में. Let's find him पहले. सब अलग अलग जाके ढूंढेंगे. अभी निखिल, फ्रॉगी, किसी लड़के को देखा आपने? छोटी सी पीली शर्ट में. निखिल, ए फ्रॉगी, सॉरी. Could I do this? मेरी वजह से सबको स्ट्रेस हो गई. Such an idiot. बड़ी कोयल, निखिल मिल जाएगा. निखिल, निखिल,
तो निखिल का चश्मा है। अगर चश्मा है तो फिर निखिल का है। कैसे कोई किसी को किडनैप कर सकता है? वो कर सकता है। ये सच है साइको, वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। निखिल, मेरा बच्चा, तू कहाँ चला गया था? तू हाँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे इतनी चिंता हो रही थी, कहाँ चला गया था तू? हाँ, आगे से मुझे छोड़ के मत जाना। क्या बात, मैंने पकड़ लिया। किसके साथ में खेल रहा था? बाय। सर देखा नहीं, सॉरी। देख के जाना। Okay, I get it. Use your memories. याद कर कैसे उसने तेरे लिए गोली खाली ब्रो। कैसे वो तेरे लिए अंकल महाजन द ग्रेट से लड़ गया? डॉक्टर मोनामी महाजन मेरी बेस्ट कैडेट है सर, और मैं आपको उसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करने दूंगा। कैसे उसने तुझे बिना फंबल किए अपनी बात पूरी करने की स्ट्रेंथ दी मोनू? मैं वो नहीं करूंगी जो आप चाहते हैं मैं करूं। मैं वो करूंगी जो मैं अपनी लाइफ के साथ करना चाहती हूं। मैं करण के साथ पराक्रम ऐसे वापस जा रही हूं। याद कर कैसे जब तू उसके कमरे में गई थी और उसने शर्ट उतारी और तेरा मुंह खुला का खुला रह गया। याद कर, याद आया? आया। सेड़! ए, 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 कट कट कट, पागल है क्या? मैं यार इतना सीरियस रिहर्सल कर रही हूँ, तुझे सब मजाक लग रहा है क्या? ये टेक था, बट ओके, अब आई गेट इट। वंस मोर, मनामी लव्स करण, लाइट्स कैमरा एक्शन, गो फॉर इट। करण, जब मैं पहली बार एकेडमी आई थी तो मुझे लगा था तुम बहुत खड़ूस हो, लाइक सुपर खड़ूस, एनहेंस खड़ूस शेर का। लेकिन अब मुझे पता चला है खड़ूस के सीने में भी दिल है, एक रियल दिल जो रियल में धड़कता है। पहले मुझे लगा था तुम बहुत बुरे हो, फिर बाद में पता चला इतने भी बुरे नहीं हो, मतलब तुम अच्छे हो। एक्चुअली सिर्फ अच्छे नहीं, तुम बहुत 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 अच्छे हो। एंड I really like you.
अंताक्षरी चल रहा है। वो शॉट शॉट सर्किट हो गया था। मैं इसको कह रही थी कि पार्टी के लिए रेडी होने जा रही हूँ, तो तू भी हो जा। ओके बाय। मैं भी जाके तैयार होता हूँ। चिरकुट सब ठीक? यो नहीं, वो बालक को देख के तो कतई बरागो था। काय के लाने? वो मेरी गलती हो गई ना, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तो पहली बार गलती थोड़ी ना की तूने। आई नो, पर इस बार फील हो गई। एक्चुअली उसके मम्मी पापा का पता नहीं है, पता नहीं कहाँ होंगे, और वो यहाँ उसे देख के कुछ याद आ गया। जब मैं बड़ा हो रहा था ना तो मेरी मम्मी नहीं थी। डैडी जी का भी कोई पता पता ठिकाना था नहीं। तो आई गेट इस लोनलीनेस, बेचारा अकेला है। आई थिंक आई वांट बी हिज फ्रेंड, जो उसके लिए सब कुछ सॉर्ट आउट कर दे। आई थिंक आई कैन बी दैट फ्रेंड। इसलिए तू कतई भावनात्मक हो रहा है चिरकुट। एक कमांडो के लिए भावनाओं में बह जाना अच्छी बात ना हो तो है। आपको लगता होगा कि मैं रॉन्ग हूं, और मैं रॉन्ग होता भी हूं मोस्टली, बट फॉल्स कभी नहीं। मैं ऐसा ही हूं, जिससे कनेक्ट होता होता ना ऐसे हो जाता, फिर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। फॉर वन एंड ओनली मिस ब्यूटीफुल, वो अब थोड़ा हट जाइए, लग जाएगी मुझे। सिड़ भाई जी, अंतर संजू मैडम थी क्या? फिर भाषण मिला क्या? मुझे तो लगता है इस बार दिवाली की पार्टी में यूनिफॉर्म पहन के परेड कराएंगे संजू मैडम तो। ए दद्दा, मार पड़ो को। खा लेंगे थोड़ो सो। करण सर जी दिवाली मनाना, परम सर जी के जाने के बाद से ही छोड़ दिया, बस पूजा के लिए आ जाते हैं। जब परम सर जी थे ना इस एकेडमी ने अपनी सबसे अच्छी दिवाली देखी थी। अरे परम सर जी और करण सर जी साथ में मिलकर ऐसा धमाल मचाते थे। अरे पटाखों की आवाज क्या है, उनकी हंसी गूंजती थी पूरे एकेडमी में। आज चाहे जितने मर्जी पटाखे फोड़ लो, वो बात कहाँ है? वो बात आएगी उस्ताद जी, उसे आनी पड़ेगी। करण को अपने पास्ट को भुलाकर आज हमारे साथ दिवाली मनानी पड़ेगी। कोशिश करके देख लो मुनामी, करण सर जी नहीं आने वाले। बैठ लगाएंगे उस्ताद जी, मैं करण को लाके रहूंगी। मैं तो चाहता ही हूं कि मैं शर्त हार जाऊं मुनामी, या चुबा कर दो मुनामी। मैं सच कह रहा हूं, माता रानी से प्रार्थना करूंगा तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बस पुराने दिन वापस आ जाए।
दिवाली के दिन अंधेरे में बैठे रहोगी तो दिए को कितना बुरा लगेगा जो हमारे लिए इतना रोशनी करता है। करण, करण, आई नो तुमने नोट पढ़ लिया है लेकिन तुम रिप्लाई नहीं कर रहे। कम ऑन, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट यार। हम सबके साथ आके बाहर दिवाली सेलिब्रेट करो ना प्लीज। करण, करण, तुमने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है, अपने फियर्स से फाइट करना सिखाया है और अब तुम ही अपने फियर्स से फाइट नहीं कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है करण, तुम तो जानते हो ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। करण प्लीज ओपन अप। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें हेल्प करने की, प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई आई नो तुमने जो किया उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। कोयल विल लिसनिंग टू मी, अदरवाइज कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे छुपा के नहीं रखेगी। कोयल प्लीज ओपन द डोर। देखने के कोयल की बात ध्यान से सुन। कोयल रियली लव्स यू। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ बड़ों के बीच होती है, छोटे बच्चे समझ नहीं पाते। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। विल यू ट्रस्ट मी? सर, मैंने तुझे सिर्फ भैया के साथ छोड़ के आऊंगी, ठीक है? वहीं रहना, कहीं मत जाना। कैन आई ट्रस्ट यू? थैंक यू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा शुरू कैसे करूं। आई जस्ट लव हर सर, आई लव हर टू डेथ। लेकिन प्रॉब्लम तो हर रिलेशनशिप में होती है, हर किसी को होती है, आपको तो पता ही होगा। बट ऐसे भाग नहीं जाते, यू सिट एंड डील विद इट। वो मारता था मुझे मुनामी। He used to hit me with belt. He used to torture me. She tortures me, sir. ऐसे निखिल को मुझसे दूर ले जाकर, और मैं तो उसे हर्ट करने की सोच भी नहीं सकता। I just love her too much. Okay, fine. I agree. I'm not the world's best husband. But I'm not a monster. He's a monster, Monami. घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, सिट पार्टी में मेरे थोड़ा सा भी करीब कोई आ जाए। इतना सा भी ट्रस्ट नहीं था उसे मुझ पे। आई कंप्लीटली ट्रस्ट हर।
लेकिन हाँ मुझसे एक गलती हो गई। हर बार नई स्टोरी सुना के विक्टिम कार्ड प्ले करता है वो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए। निखिल के पैदा होने के बाद आई जस्ट न्यू आई हैव टू एस्केप फ्रॉम देयर। मौका मिलते ही मैं वहां से निकल आई। आई एस्केप्ड। आई हैड एन अफेयर। और अफेयर भी क्या था वो, इट वॉज जस्ट अ फ्लिंग। अफेयर करते और हमें बता रहे हैं कि आप अपने बीवी और अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, कैसे हस्बैंड है आप? इट वॉज अ मिस्टेक। आई वॉज लोनली, आई नीडेड समवन, मे बी एन एंकर इन लाइफ, और कोयल मुझे टाइम नहीं दे पा रही थी। हो गई ये गलती और मैंने खुद जाके कोयल को बताया, नहीं तो उसे कभी पता नहीं लगता सर। आई एडमिटेड टू माई मिस्टेक। और माफ करने के बजाय उसने क्या किया, इस तरह पनिश कर रही है मुझसे, मुझसे मेरा बच्चा दूर ले जाकर। This isn't fair, sir. तुम बिल्कुल गलत हुआ ना। You are an inspiration, Koyal. लोग इतनी बातें करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, लेकिन बाहर से कोई हमें एम्पावर करने के लिए नहीं आने वाला। औरतों को समझना होगा, खुद की हेल्प करनी पड़ेगी जो तुमने की। तुमने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद के लिए फाइट किया। यू आर अ विनर कोई, एंड आई सैल्यूट योर करेज। और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो करण तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर समझेगा। He will, I trust him. तुम्हें तुम्हारे विश के अगेंस्ट कोई भी अभय के साथ नहीं भेजेगा। ओके करण, तुमने हमसे जो जो कहा था वो हमने सब कुछ ऐड कर दिया है, और कुछ एडिशनल करना है? करण सब ठीक है ना? यार वो बंदा खटक रहा है फैसी। अबे की बात कर रहा। एक काम कर फैसी, अबे पे नजर है। मैं नहीं चाहता कि कोयल को भेजने से पहले हम बिल्कुल भी अनश्योर हों कि वो बंदा सही है कि नहीं। राइट, हम पता करते हैं। कोयल अबे इज हियर, बट डोंट वरी, तुम बस हमारे प्लान पे फोकस करो। प्लान याद है ना? It begins now. Hello. Monami function शुरू होने वाला है, लोग आ चुके हैं। तुम backstage ready रहना। Yes, all set. Koyal, relax. Don't worry. Don't lose hope, please. ये जलसा तुम्हारे freedom का celebration है। बस ऐसा समझ लो। टेक केयर। कोयल, आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। और तुम ओके सबसे बातें कर रही हो, सबसे मिल रही हो सिवाय मेरे। नाइस रूम बाय द वे। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। रियली मिसिंग यू। प्लीज मुझे भी थोड़ा टाइम दो ना।
क्या हुआ? इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? रिलैक्स। बस दो चार घंटे की बात है ये, उसके बाद तुम्हारी सांसें भी सुनाई देंगी मुझे, इतना करीब रखूं। और तुम भागने की कोशिश करती क्यों? भाग तो पाऊंगी, चेन से बांध कर रखती तुम्हें, अच्छा लगेगा। सॉरी मेरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरी दर्द हो तो बता दिया करो प्लीज। ये ड्रामा खत्म कर लो, उसके बाद आई टेक यू होम विद निखिल, जहां पे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ यू। ओके बिकॉज आई लव यू, आई लव यू। कोयल मैडम, ये करिश्मा है कुदरत का, और इनका नाम भी करिश्मा है। करिश्मा जी, कोयल। समझ गए। हाय। और मैं कोयल का लविंग हस्बैंड। अच्छा। अबे, ग्लैड टू मीट यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो, यस आते। कौन था? करिश्मा जी को स्टेज पे तैयार करके ले जाना है मुझे, तुम्हें यहां से जाना होगा। श्योर? जस्ट रिमेंबर, मैं कहीं नहीं जा रहा। यही हूं तुम्हारे आसपास। इफ यू नीड एनीथिंग, ओके? लेट मी नो। आओ बाला, जरा एकेडमी तो दिखाओ। कोयल, सब ठीक है ना? ना अगर कोई दिक्कत होगा ना तो फटाक से बताइएगा, दो मिनट लगाते हैं हम सब ठीक करने। ठीक तो मुझे करना ही होगा, यहां से भागकर। जलसा शुरू ही होने वाला है, मुझे जो मनामी ने प्लान कहा है उस पर ध्यान देना है। सब सेट है, आज की शाम ये मंच और आज का माहौल। मैं राजेश, राजेश वागे, एक आम आदमी। लेकिन आम तो आम भी होता है ना, मैंगो। तो जब आम आम होकर इतना खास हो सकता है तो फिर आम आदमी एक खास जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? मैं तो जीता हूं, सच कह रहा हूं। एंड थैंक्स टू हमारे सोल्जर्स, सीरियसली वो स्पेशल है, वो खास है। दिन रात हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं वो। स्पेशल एजेंट करण शेरगिल का बड़ा भाई परम शेरगिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।